हेलो दोस्तों, सोम विथ मैथ आपके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, एक एकम एक, दो दूना चार, तीन तिहाई नौ, चार चौको सोलह, पाँच पचे 25, छः छक 36, सत्ते सत्ते 49, आठ अठैया 64, नवे नवे 81, दस गुणित 10, 100। इतना है। यदि हम सीक्वेंस वाइज यदि पता करें तो एक चार नौ छ, एक चार नौ छ, ठीक। यदि फाइव को छोड़ देते हैं, पाँच को, इधर आ जाएगा आपका एक चार नौ छ, एक चार नौ छ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये सीक्वेंस वाइज है। यदि हम बोल दें 36 अंडर रूट 36 का मान निकालिए, ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 16 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 हो गया, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, ठीक है, लिख सकते हैं, या चार कर चार का स्क्वायर, ठीक है, चार का स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख दिए 4 का स्क्वायर। अब इसको या तो अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर में रहेगा, 5 का अंडर रूट है, 5 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। यदि अंडर रूट उस साइड गया तो 1/2 हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट जो है स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। यदि ये अंडर रूट 2 है, 5 का अंडर रूट, यदि हम इसको आगे लिखना चाहें तो 5 का 1/2 लिख सकते हैं, या तो अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे लिखेंगे, अंडर रूट 36, 36 है 36, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, ठीक है, और आगे और क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है तो अंडर रूट के साथ कट जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 6 का 1 यानी 6 आंसर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब दूसरी तरीके से यदि हम एग्जांपल तौर, फॉर एग्जांपल अंडर रूट दे दिया 10, 24, ठीक है, 1024, ठीक है, तो आप इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कि 4 किसमें है, 4 इसमें है और 4 इसमें आ रहा है, 8 में और 2 में, तो इसका आंसर में जो है लास्ट अंक या लास्ट डिजिट जो आंसर होगा उसमें, वह एक तो 4 होगा, एक तो 8 होगा, या एक तो 4 होगा, या 4 होगा, एक तो 8 होगा, दोनों में से कोई होगा। अब 10 है यानी 10, 10 का ऐसा मतलब टेबल है, मतलब देखें कि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह 16 है तो 4 वाला में, 4 का टेबल में देखेंगे तो, मतलब 4 का स्क्वायर में देखेंगे 16,
ज़्यादा हो जा रहा है। थ्री के स्क्वायर में देखेंगे तो 9, जो कि 10 से कम है, यानी 10 से 9 छोटा है, ठीक है। तो क्या लेंगे, 3, यानी इस सही है। 3 ले लिए, 3 में एक क्या करते हैं, 3 में एक क्या करेंगे, प्लस करके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। 3 चौके 12 या 3 4 12, जो कि 10 से 12 बड़ा है। यदि 10 12 से बड़ा रहता तो 8 को लेते हैं, 12 से 10 छोटा है तो 4 को लेंगे। तो ये 3 का 3 नीचे ले आए और ये 4 हो जाएगा, नहीं 4 सॉरी यहाँ 2 होगा, सॉरी 2, ये 2 को लिए हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर में चेंज करने के लिए, आज बता दिया। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे एलसीएम। चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, सोम विथ मैथ आपके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। एक एकम एक, दो दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौको 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 × 10 100, इतना है। यदि हम सीक्वेंस वाइज यदि पता करें तो 1 4 9 6, ठीक। यदि 5 को छोड़ देते हैं, 5 को इधर आ जाएगा आपका 1 4 9 6, 1 4 9 6, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये सीक्वेंस वाइज है। यदि हम बोल दें 36 अंडर रूट 36 का मान निकालिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 16 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 हो गया, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, ठीक है, लिख सकते हैं, या 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। कितना लिख दिए, 4 का स्क्वायर। अब इसको या तो अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर में रहेगा, 5 का अंडर रूट है, 5 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। यदि अंडर रूट उस साइड गया तो 1/2 हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट जो है स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। यदि ये अंडर रूट 2 है, 5 का अंडर रूट, यदि हम इसको आगे लिखना चाहें तो 5 का 1/2 लिख सकते हैं, या तो अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे लिखेंगे, अंडर रूट 36, 36 है 36, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, ठीक है।
और आगे और क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है तो अंडर रूट के साथ कट जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 6 का 1 यानी 6 आंसर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब दूसरी तरीक़े से यदि हम एग्जांपल तौर, फॉर एग्जांपल अंडर रूट दे दिया 10/24, ठीक है, 1024, ठीक है, तो आप इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कि 4 किस में है, 4 इसमें है और 4 इसमें आ रहा है 8 में और 2 में, तो इसका आंसर में जो है लास्ट अंक या लास्ट डिजिट जो आंसर होगा उसमें वह एक तो 4 होगा, एक तो 8 होगा, या एक तो 4 होगा ये 4 होगा, एक तो 8 होगा, दोनों में से कोई होगा। अब 10 है यानी 10, 10 का ऐसा मतलब टेबल है, मतलब देखें कि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह 16 है तो 4 वाला में, 4 का टेबल में देखेंगे तो मतलब 4 का स्क्वायर में देखेंगे 16 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 के स्क्वायर में देखेंगे तो 9 जो कि 10 से कम है, यानी 10 से 9 छोटा है, ठीक है, तो क्या लेंगे 3, यानी इस सही है, 3 ले लिए, 3 में एक क्या करते हैं, 3 में एक क्या करेंगे, प्लस करके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, 3 चौके 12 या 3 4 12, जो कि 10 से 12 बड़ा है, यदि 10 12 से बड़ा रहता तो 8 को लेते हैं, 12 से 10 छोटा है तो 4 को लेंगे, तो ये 3 का 3 नीचे ले आए, अरे 4 हो जाएगा, नहीं 4 सॉरी यहाँ 2 होगा, सॉरी 2, ये 2 को लिए हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर में चेंज करने के लिए, आज बता दिया, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे एलसीएम। चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, धन्यवाद।